Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sunita. I hope you guys are doing good. So guys, आज की वीडियो होने वाली है एक व्लॉग. तो आज मैं जा रही हूँ नासिक त्र्यंबकेश्वर. तो हम घर से निकल चुके हैं, तो हम जाएंगे बाय रोड. तो यहाँ पर हमने एक ये पिट स्टॉप लिया है, तो यहाँ पर हम कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, फिर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे. तो अभी हमने अपना ऑर्डर दिया है और हम वेट कर रहे हैं. सो सबसे पहले यहाँ पर हमने ये इडली ऑर्डर की है और ये काफ़ी टेस्टी थी. उसके बाद मैं पीऊँगी अपनी फेवरेट चाय, और चाय के साथ मैंने ऑर्डर किया है वेज सैंडविच, और ये सैंडविच भी काफ़ी टेस्टी था. तो गाइज, इसके बाद हमने ऑर्डर की थी दाल खिचड़ी, और ये दाल खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी. और इसके साथ साथ हमने ऑर्डर किए थे कुछ मिक्स भजिया, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे. सो अभी हम दोबारा निकल चुके हैं, तो अभी हम डायरेक्ट रुकेंगे त्र्यंबकेश्वर, तो वहीं पे मैं आपसे मिलती हूँ. सो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर. यहाँ पर आप ये देख सकते हो, और हमें आते आते बज गए 7, और हम फ्रेश हो गए. फ्रेश होके हम आ गए दर्शन के लिए. सो गाइज, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है ये महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक गांव में है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. सो यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा लाइन नहीं लगी हुई थी, और आगे आप देख सकते हो गाइस. तो ऐसे अगर आप यहाँ पर आते हो ना, तो आपको ऐसे पूरा घूम कर जाना होता है, काफ़ी ज़्यादा लाइन होती है. तो अभी हम शाम में आए हैं, कुछ 7 बजे हम आए हैं, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर रश नहीं है. सो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रश है, और यहाँ पर स्क्रीन पर आपको अंदर का जो लाइव दर्शन है वो देखने मिलता है. तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो गाइस. और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, अभी हम लाइन में खड़े हैं. गाइस, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव विराजित है, और बाकी अन्य ज्योतिर्लिंग में केवल भगवान शिव ही विराजित है. सो गाइस, अंदर कुछ दूर पर पैदल चलने के बाद मंदिर का आपको मुख्य द्वार नजर आने लगता है. और त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है. मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल अर्घा दिखाई देती है, लिंग नहीं. गौर से देखने पर अर्घा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं. इन लिंगों को त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है. भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस अर्घा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है. सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पे ना फोटो खिंचवाने के लिए वो मना करते हैं, बट मैंने ये वीडियो शूट की है. यहाँ पर ना आपको ऊपर मिरर लगाया हुआ दिखाई देगा, जहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली दर्शन हो जाते हैं. तो ये पूरी लाइन लगी हुई है, ये अंदर है मंदिर के अंदर, कुछ ऐसे आपको देखने मिलेगा. ऊपर भी स्क्रीन लगे हुए रहते हैं, जहाँ पर आपको लाइव दर्शन देखने मिलता है. तो अभी हमारा दर्शन हो चुका है, और काफ़ी अच्छा दर्शन हमें मिला, और अभी हम निकल रहे हैं मंदिर से.
सो गाइस ये देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मंदिर। और यहाँ पर अभी हम निकल चुके हैं मंदिर से। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है मंदिर और हमें काफ़ी अच्छे से दर्शन मिला। और ये देख सकते हो आप गाइस, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक किए और कुछ रील्स बनाए, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसके बाद डिनर में हमने ये ट्राई की मिसल पाव, और यहाँ की मिसल पाव बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे। और इसके बाद हमने ट्राई की यहाँ पर ना ये बाजरे की रोटी और झुमका, जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। अगर आप आती हो तो यहाँ पर ज़रूर ट्राई करना। सो इसके बाद हमने ये जीरा राइस और दाल फ्राई ऑर्डर किया था, उसके साथ हमने ये शेव की भाजी ली थी और पराठे लिए थे। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।